वेलकम फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन IATF 16949। इसमें आज हम सीखेंगे कि हमारे मेंटेनेंस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो हमारे IATF की रिक्वायरमेंट के लिए क्या फुलफिल करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट है और कौन कौन सी लिस्ट है। ये हमारे नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आता हमारा मेंटेनेंस प्रोसीजर, सेकेंड आता है हमारा मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन्स, थर्ड आता है डेली चेक शीट, फोर्थ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, देन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक शीट, ब्रेकडाउन समरी, हिस्ट्री कार्ड, MTTR, MTBF, ग्राफ, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस प्लान, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस चेक शीट, वाई वाई एनालिसिस, लिस्ट ऑफ क्रिटिकल स्पेयर, कॉन्टिजेंसी प्लान, पोकायोका और काइजन शीट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर मैट्रिक्स और इन्वायरमेंट मैट्रिक्स। ये हमारे टॉपिक्स है। इसके आगे आपको ब्रीफली आपको समझाया गया नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले आता है हमारा मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन। इस फॉर्मेट में होता है हमारी प्लांट की नंबर ऑफ मशीन्स है वो कितनी है, उनको मशीन आईडी क्या दे रखी है हमने, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, कैपेसिटी क्या है, कब हमने परचेज की, कब हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो सारी की सारी रिकॉर्ड करते हैं हम मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन में। ये स्लाइड है हमारी डेली चेक शीट ऑफ मशीन। और इस फॉर्मेट में हम जो मशीन की हमारी डेली चेक पॉइंट क्या क्या होते हैं, उसका जजमेंट क्राइटेरिया क्या होता है, क्या क्या तरीके से हम चेक करते हैं, और मंथ वाइज हमारी डेली चेक शीट एक ही बनती है, जो डेट वाइज हमें मॉर्निंग टाइम में या शिफ्ट जब स्टार्ट होती है जब हम उसको चेक करते हैं, और इसके अंदर कोई भी मशीन की जो अबनॉर्मलिटी होती है उसको कंसिडर करते हैं। अगर कोई भी हमारी अबनॉर्मलिटी फाइंड आउट होती है, जैसे कि उसमें कोई लीकेजेस है, वाइब्रेशन है या कोई अबनॉर्मल साउंड है, उसको कंसिडर करके उसको एज सुन एज पॉसिबल हम क्लोज करते हैं उस पॉइंट को। जैसे मान लो आपको लग गया कि कोई लीकेज है, तो उसका हमने रिमार्क डाल दिया कि इस हमारी हाइड्रोलिक सील लीकेज है, तो उसका प्लान बना के हमने उसको सॉर्ट आउट करना है। वो हम सारी जो एक्टिविटी चेक होती है हमारी डेली चेक शीट में होती है, और इसको ऑपरेटर फिल अप करता है, उसका सीनियर उसको चेक करता है, और इसका SOD जो होता है उसको वेरीफाई करके ओके करता है। नेक्स्ट, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान हमारा चार टाइप का होता है बेसिकली। मंथली प्लान, क्वार्टरली प्लान, और रोलिंग 6 मंथ प्लान, या फिर ईयरली प्लान। मंथली प्लान में हम वो चीजें कंसिडर करके चलते हैं जो हमारी रिपीटेडली जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है उसकी प्रिवेंटिव करने की। जैसे कि मेरा सर्विस की रिक्वायरमेंट है, अलाइनमेंट का इशू है, या फिर ग्रीसिंग का रिक्वायरमेंट रहती है जहाँ पे मूवमेंट ज्यादा होती है, वो जो छोटे छोटे चीज होती हैं, आइटम्स होते हैं, उनको हम लेते हैं मंथली में। आफ्टर थ्री थ्री मंथ जो हमारा क्वार्टरली होता है, 6 मंथ या ईयरली प्लान होता है, इसमें मेजर मेजर हमारे पॉइंट आउट बढ़ते जाते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं जनरेटर का, अगर उसका प्लान हम कैसे बनाते हैं मंथली बेस पे, अगर मान लो मंथली बेस पे कह सकते हैं, वो जस्ट एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, जैसे उसमें भी ए चेक, बी चेक, सी चेक, डी चेक होता है। तो जो ए चेक में, अगर मंथली बेस पे अगर मैं एग्जाम्पल लेके बताऊं, तो इसमें जैसे हमने फिल्टर चेंज कर दिया या क्लीनिंग कर दी, ग्रीसिंग कर दी, ये मंथली बेस पे आ गए। क्वार्टरली उसके मेजर पॉइंट्स जो डीप क्लीनिंग में जाते हैं थोड़ा सा, 6 मंथ या ओवरऑलिंग में उससे और मेजर पॉइंट जो हमें बहुत रेयर चांस में क्लीनिंग करने पड़ते हो, या जिसकी लाइफ हो कि हमें 6 महीने बाद ये चीज चेंज करनी पड़ती है, जैसे हमारा और ईयरली प्लान। ईयरली प्लान जो हमारा रेयरली वंस इन ईयर किसी की टाइमलाइन दी गई होती है तो उसे चेंज करना जरूरी। एग्जाम्पल दो मैं अगर आपको मोल्डिंग मशीन का, मोल्डिंग मशीन में जो उसकी ग्रीसिंग है, क्लीनिंग है, वो हमारी मंथ वाइज हम उसको कंसिडर करके चलते हैं, उसको मंथ वाइज में लेके कंप्लीट कर देते हैं। क्वार्टरली कि उसमें कोई आपका जो ऑयल की क्लीनिंग है या उसकी हीट एक्सचेंजर की क्लीनिंग है, वो क्वार्टरली में हम ले लेते हैं। आफ्टर 6 मंथ कि उसकी जो आपकी अलाइनमेंट का वो भी चेक करना होता है, या आपको ऑयल की विस्कोसिटी, ऑयल के पैरामीटर, हाइड्रोलिक ऑयल जो होता है हमारा, या pH होता है हमारा, या मशीन की कैलिब्रेशन से रिलेटेड होता है, वो आगे मेजर पॉइंट हमारा 6 मंथ में। ईयरली प्लान जो हमारा होता है, इसमें हम छोटी से लेके बड़ी से बड़ी तक चीजें
सारी सॉर्ट आउट करते हैं उसमें, क्लीनिंग, ग्रीसिंग, उसकी लुब्रिकेशन, उसकी हमारा ऑयल की क्लीनिंग, ऑयल की टेस्टिंग, कितने घंटे चल गया अगर ऑयल, वो चेक करते हैं, चेक रिपोर्ट बनाते हैं उसकी, अलाइनमेंट से रिलेटेड, कैलिब्रेशन से रिलेटेड, और इसमें जो फाइंड आउट करते हैं ओवरऑल पूरी मशीन को हम एज ए रिफर्बिश्ड, जिसको हम कह सकते हैं कि रिफर्बिश्ड करते हैं। तो ये होता है हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान। नेक्स्ट स्लाइड हमारी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक शीट। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक शीट में क्या होता है कि जैसे नंबर ऑफ हमने चेक पॉइंट, क्या क्या चीज चेक करने, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, उसको चेक करने का मेथड क्या है, फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा, आपको मंथली चेक करना है, क्वार्टरली चेक करना है, या फिर आपका हाफ ईयर चेक करना है, या फिर आपको ईयर वाइज चेक करना है। इसमें हमारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स आते हैं कि पहले हमारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये थे, जैसे कि हमने कोई चीज लेवल किया तो पहले ऑब्जर्वेशन पॉइंट में आ जाएगी इसका लेवल एक्यूरेट नहीं था, उसके बाद आफ्टर में आ जाएगा अपने लेवल क्रिएट कर दिया, या फिर उसमें कुछ रिमार्क डाल सकते हैं। तो इस ये हमारी प्रिवेंटिव चेक शीट है, इसमें सारी चीज अडेयर करके हम उसको फुली फिल करके, जो हम इसको काम करने के बाद इसमें फुलफिल करेंगे, इसमें एक्चुअलिटी शो करेंगे कि ये काम पहले नहीं था, हमने ये कर दिया, तो मशीन हमारी ओके चल रही है। इसके बाद इसका चेक पॉइंट हम ऐड करते हैं, चेक जो चेक करता है वो उसको चेक करके उसको साइन करेगा, गो हेड देगा कि हाँ ये काम हुआ, वो सही हुआ है, वेरीफाई में जो आपका सीनियर है वो उसको वेरीफाई करके उसको नेक्स्ट, अब अगर कुछ उसमें अबनॉर्मलिटी उनको लगती है तो आपको वो फुलफिल करनी पड़ेगी, या फिर उसको ओके करके हम मशीन को रनिंग में ले लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रेकडाउन समरी। ब्रेकडाउन समरी इसमें हम नोट डाउन करते हैं कि नंबर ऑफ ब्रेकडाउन हमारी किस मशीन में आई है, कब आई है, कब हमें रिपोर्टिंग टाइम मिला है, कब हमें इसको हैंड ओवर देना है, टोटल ब्रेकडाउन आवर कितने निकले और किसने ये सॉर्ट आउट की। जैसे कि आप इसके हेडिंग में देख रहे हैं कि आज जैसे डेट, आज मान लो 22 तारीख है, 22 तारीख को किस डिपार्टमेंट की, जैसे आपके पास नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स हो गए, मोल्डिंग है, एक्सट्रूजन है, प्रोडक्शन है, मिक्सिंग मील है, ये आपके नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स आ गए, कि उस डिपार्टमेंट की किस मशीन में, उस मशीन की आईडी क्या थी, उस मशीन में आपने क्या ब्रेकडाउन ऑब्जर्व की, और आपको मशीन कब दी गई, ब्रेकडाउन स्लिप आपको देते हैं, ब्रेकडाउन स्लिप कब दी गई, आपने कब ली, और उस ब्रेकडाउन को सॉर्ट आउट करके आपने हैंड ओवर कब कर दी मशीन, और जो पर्टिकुलर टाइम आया रिपेयरिंग का वो कितना टाइम आया, उस ब्रेकडाउन को सोल्व किसने किया, वो उसको रेक्टिफाई करके ओके करेगा, उसको चेक करेगा आपका सीनियर। तो इसमें हम नंबर ऑफ आवर्स निकालते हैं ब्रेकडाउन आवर्स की, हमारे नंबर ऑफ ब्रेकडाउन आवर्स कितने निकले, उसके बिहाफ पे हमारा आगे एमटीटीआर, एमटीबीएफ कैलकुलेट होता है, ओईई कैलकुलेट होती है, अवेलेबिलिटी आवर्स कैलकुलेट होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको हम समझाएंगे कि जैसे नेक्स्ट स्लाइड है इसमें आता है एमटीटीआर, जो आपके ब्रेकडाउन आवर्स वहां निकले, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स निकली, उसके थ्रू हम एमटीटीआर निकालते हैं। एमटीटीआर की फुल फॉर्म होती है मीन टाइम टू रिपेयर, मतलब कि जो आपकी एवरेज वैल्यू है नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स की, एवरेज वैल्यू को रिपेयर करने का टाइम कितना लगा, वो होता है हमारा एमटीटीआर। इसका फॉर्मूला होता है टोटल ब्रेकडाउन्स टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स। मान लो आपका ब्रेकडाउन टाइम है 10 घंटे और आपकी ब्रेकडाउन्स भी है नंबर ऑफ 10, तो जो हमारा हमारा वन आएगा वो आएगा एमटीटीआर। नेक्स्ट है हमारा एमटीबीएफ। एमटीबीएफ मीन टाइम बिटवीन फेलियर, मान लो कि इसका मतलब ये है कि जो आपकी नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स है उसका मीन टाइम क्या है, मान लो कि जो आपकी एक ब्रेकडाउन से दूसरे ब्रेकडाउन की जो एवरेज आती है, जो बीच का गैप आता है, उसको बोलते हैं हम एमटीबीएफ। और इसका फॉर्मूला है टोटल वर्किंग आवर्स माइनस ब्रेकडाउन आवर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स। मान लो आपके पास 100 घंटे आपका टोटल वर्किंग आवर्स है और 10 घंटे आपका ब्रेकडाउन आवर्स है, तो 100 माइनस 10 90, जो हमारा अवेलेबल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स, मान लो आपके पास 10 है, 90 डिवाइडेड बाय 10 9 आएगा हमारा एमटीबीएफ। और ये हमारा जितना ज्यादा रहे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारी एफिशिएंसी उतनी ही बढ़िया आएगी, हमारी प्रोडक्टिविटी उतनी बढ़िया आएगी। जैसे ये आपके सामने स्लाइड है, इस स्लाइड में बेसिकली जो मैंने कंसिडर किया है, ये जो ग्राफ है आप देख रहे हैं, ये एमटीबीएफ का ग्राफ है,
और इसके ऊपर आप जो लाइंस देखेंगे, जो डिस्क्रिप्शन दे रखी हैं, उसमें MTTR और MTBF दोनों ले रखा है, जिसमें उसके एक्चुअल वैल्यू क्या है, उसकी टारगेट क्या है और वो कितने घंटे हमारे पास अवेलेबल है। तो जो इसका बैकअप ग्राफ का दिया गया है, ऊपर दिया गया है, वो अगर इसमें आप चेक करें तो मंथ वाइज मैंने ले रखा है, इसमें मंथ वाइज जस्ट एग्जांपल ले रखा है कि आपके पास प्रोडक्शन आर कितने हैं, ब्रेकडाउन आर कितने हैं, आपके नंबर ऑफ ब्रेकडाउन कितनी है, MTTR कितना है, MTBF कितना है, MTTR और MTBF के टारगेट्स वैल्यू क्या है। इस ग्राफ में जो लाइट लेन दिखाई दे रही है आपको, ये जो लाइट लेन है ये आती है आपकी टारगेट वैल्यू, जो बिल्कुल स्ट्रेट है। इसकी मैंने टारगेट वैल्यू ले रखी है 100 आवर्स, जो मेरी MTBF की 100 आवर्स है। और जो ये डार्क लेन है, जो ये ऊपर नीचे और जैसी बनी हुई है आप देख रहे हैं, ये होती है मेरी एक्चुअल वैल्यू, कि मेरी एक्चुअल वैल्यू कितनी आ रही है। बेसिकली मेरा जो MTTR है टारगेट वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए। अगर मान लो मेरे पास 100 घंटे का MTBF मैंने टारगेट वैल्यू ले रखी है, तो वो 100 से प्लस होना चाहिए। इससे ये हमारा आता है कि जितना ज्यादा होगा तो हमारी एफिशिएंसी उतनी बेटर होगी। जितना ज्यादा, इसका मतलब अगर मैं जैसे लास्ट स्लाइड में आपको MTBF की फुल फॉर्म बताई थी कि मीन टाइम टू बिटवीन फेलियर, मीन टाइम बिटवीन फेलियर की जो आपकी नंबर ऑफ ब्रेकडाउंस है उनके बीच की एवरेज वैल्यू, कि मान लो एक ब्रेकडाउन से दूसरे ब्रेकडाउन को आने में कितना टाइम लगा, वो वैल्यू मंथ वाइज हम इसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमारे पास 10 ब्रेकडाउन है, 10 ब्रेकडाउन में जो पहली से और दूसरी से दूसरे के बीच में, दूसरे से तीसरी के बीच में, तीसरी से चौथी के बीच में, जो ये 155 घंटे आ रहा हमारा, ये आ रहा है MTBF। और ये जितना ज्यादा हो हमारे लिए उतना बेनिफिट है। ये जितना ज्यादा कैसे होगा, ये होता है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रेकडाउंस। आपकी ब्रेकडाउन जितनी कम होगी आपका MTBF उतना ज्यादा होगा। और हमें ट्राई भी यही करना है कि हमारा MTBF की वैल्यू ज्यादा हो, क्योंकि अगर आप प्रिवेंटिव सही तरीके से कर रहे हैं अपनी मशीनों का, ब्रेकडाउन ठीक तरीके से हैंडल कर रहे हैं आप अपनी मशीनों पे, आपके पास स्पेयर्स की अवेलेबिलिटी अच्छी है, आपके पास मैन पावर बढ़िया है, स्किल्ड है, तो जो ये आपका ग्राफ्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से जाएगा। तो ग्राफ जितना हाई जाएगा हमारी एफिशिएंसी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा, हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और ये सारी चीजें मैटर करती है आपकी डिपार्टमेंट की क्वालिटी के ऊपर, कि आपके पास, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि आपके पास स्किल्ड मैन पावर होनी चाहिए, स्पेस अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, तो ये चीजें आती है MTBF में। और इसके अंदर कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि रेगुलर इसको हम इम्प्रूव करें। MTTR का ग्राफ, MTTR का, जैसे इसमें आपने देख रहे हैं लाइट लेन है, लाइट लेन में आप देख रहे हैं कि ये टारगेट है कि 1 आर हमारा होना चाहिए, लेकिन इस लेन में आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम इसका जो डार्क लेन में एक्चुअल वैल्यू आई हुई है वो ज्यादा आई हुई है, तो ये ज्यादा नहीं आना चाहिए। इसके अगेंस्ट में भी, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि उसके अगेंस्ट में अगर कोई वैल्यू मेरी इंक्रीज कर रही है कोई चीज से, हमारे टारगेट मैच नहीं कर रही, तो उसके अगेंस्ट आपको इसका एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, ताकि आप उसी चीज को शॉर्ट आउट कर पाए। जैसे आपकी मशीन का ब्रेकडाउन आर 1 घंटा आ रहा है, तो 1 घंटा, 1 घंटे से इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, कम आ जाए तो दी बेस्ट है, हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव करेगा। इसका अगर आपका आता है तो आप इसमें रूट कॉज निकालिए कि रूट कॉज में हमारा जो रिपेयरिंग का टाइम क्यों बढ़ा, कि आपके पास नंबर ऑफ स्पेयर उस टाइम के आपके पास अवेलेबल है, क्रिटिकल स्पेयर अवेलेबल है, आपके पास स्किल मैन पावर है या नहीं है, ये सारी चीज मैटर करती है आपके MTTR के ऊपर, डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है। अगर आपके पास स्किल मैन पावर है तो जाएगी, जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई इलेक्ट्रिकल का फॉल्ट आ गया उसमें, तो इलेक्ट्रिशियन आपका जाएगा, उसको चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, अगर वो स्किल्ड पर्सन है तो वो जाएगा ब्रेकडाउन चेक करेगा, आपका कॉन्ट्रेक्टर से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिकल से, एनी टाइप ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल, इफ ही इज कैपेबल टू डू वर्क, तो वो सॉर्ट आउट कर देगा उसको, क्योंकि उसको उस लेवल की नॉलेज होनी जरूरी है। अगर उसको नॉलेज है तो सॉर्ट आउट कर देगा, अगर वो फ्रेशर है या नॉलेज नहीं है तो फर्स्ट उसको चेक करेगा, कंफ्यूज होगा, वो आपकी हेल्प लेगा, तो उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है, तो ये इम्पैक्ट करते हैं। तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले आता है स्किल्ड मैन पावर, दूसरे उसके बाद आता है हमारे पास लिस्ट ऑफ क्रिटिकल स्पेयर अवेलेबल होने चाहिए,
तो ये चीजें बहुत मैटर करती है। उसके बाद आता है आपके मशीन जो टूल्स है काम करने के लिए, वो अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपकी एफिशिएंसी के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है। फिर आता है हमारा प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस प्लान और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस चेकशीट। ये हमारा एक प्लान होता है प्रेडिक्टिव की। इस प्लान में हम चेक करते हैं बाई टच, किसी भी चीज को टच करके कि उसको महसूस कर सकते हैं कि वाइब्रेशन है या नहीं है, या अंदाजा लगाना हम जिसको कहते हैं कि प्रिडिक्टिव, किसी भी चीज का पहले से अंदाजा लगा लेना। उसको अंदाजा आप कैसे लगा सकते हैं, किसी चीज को टच करके देख सकते हैं कि उसमें वाइब्रेशन है या नहीं है, सुन के देख सकते हैं कि उसमें अबनॉर्मल साउंड है या नहीं है, या विजुअलाइजेशन कि आप उसमें ये चीज देख सकते हैं कि उसमें अलाइनमेंट का इशू तो नहीं है या कुछ इशू तो नहीं है। तो ये चीज सारी आती है प्रिडिक्टिव में। प्रिडिक्टिव में आप पॉइंट नोट करते हैं हर एक चीज के कि इसमें ये अबनॉर्मलिटी है, उसके अगेंस्ट में आप प्लान बनाते हैं। वो आपका जैसे अगर प्रिवेंटिव है तो उसके अंदर ऐड कर देते हैं कि ये प्लान, ये चीज हमारी अबनॉर्मल है, ये आपकी नेक्स्ट जो हमारा प्रिवेंटिव होना है तो उसके बीच में आप ये चीज को हम सोल्व करेंगे। जैसे आपने देख लिया कि इसमें कोई गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स में आपने देख लिया कि उसमें साउंड आ रहा है किसी भी चीज का, मान लो ऑयल लेवल कम है, साउंड आ रहा है, आपके पास टाइम है नहीं मशीन रनिंग में, तो उसका आप इसमें चेक प्रिडिक्ट कर लिया कि लेवल लो है तो उसका इम्पैक्ट जाएगा गियर के ऊपर। अगर ऑयल लेवल लो होगा तो हमारा गियर डैमेज होगा। तो उसके लिए आपने, उसके लिए अगर ऑयल नहीं है तो आपने मंगा लिया, वो मंगा के उसका प्लान करके आपने उसमें डाल दिया। यह चीज सेकेंड एग्जाम्पल कि आपके पास जो बेल्ट की कंडीशन है किसी भी चीज की, जैसे आपके पास कोई दूसरी मशीन है जिसके अंदर बेल्ट ड्राइव यूज कर रहे हैं, अब बेल्ट उसमें वीक पड़ गई है, कोई क्रैक हो गई है लेकिन वो चल रही है, तो आपने इस मॉर्निंग टाइम में या जब भी जैसे भी आपका प्रेडिक्टिव प्लान होता है आपने उसको चेक किया, उसको फाइंड आउट किया कि ये चीज खराब है, अगर आपके पास स्पेयर में है तो नेक्स्ट प्रिवेंटिव में या जैसे भी उसको चेंज कर दो, या फिर उसका प्रिवेंटिव में ऐड कर लो कि ये चीज हमने चेंज करनी है नेक्स्ट टाइम। इसके बाद आता है हमारा वाई वाई एनालिसिस। वाई वाई एनालिसिस करते हैं हम फिश बोन के ऊपर, मतलब नंबर ऑफ आपका सबसे पहले आना चाहिए इसका मशीन मैन मैनुअल या मेथड जो इसका आता है, फिश बोन ड्राइंग के ऊपर हम वाई वाई एनालिसिस करते हैं। और इसके अकॉर्डिंग ये जानते हैं कि इसका जो आपकी ब्रेकडाउन आई उसका एक्चुअल रूट कॉज क्या था, उस रूट कॉज को फाइंड आउट करते हैं। ये जैसे आपकी नंबर ऑफ एक रिपीटेड ब्रेकडाउन है, जैसे कि आप कोई भी चीज यूज कर रहे हो रिपीटेड ब्रेकडाउन, जैसे आपके पास कोई ट्रांसपोर्टर है एक्स वाई जेड लगा दिया, ट्रांसपोर्टर जो आपकी कोटिंग लाइन में प्लेटिंग में यूज होता है, अगर मान लो उसकी कपलिंग ज्यादा बार टूट रही है, जस्ट एग्जाम्पल कि उसका कपलिंग का एक टाइम होता है कि हमने ये पार्ट हमारा साल में एक बार चेंज होना है, अगर वो आपने साल में दो तीन बार चेंज कर दिया, रिपीटेड ब्रेकडाउन आ रहा है, तो उसके अगेंस्ट में आप उसकी एनालिसिस करो कि सबसे पहले उसमें चेक करो कि उसकी अलाइनमेंट है ठीक है, दूसरा उसके पास कि आपका जो स्पीड है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, या आपके पास जो कपलिंग आ रही है, जो मतलब मटेरियल आ रहा है वो उसकी क्वालिटी कैसी है, अगर उसकी क्वालिटी भी वीक होगी तो आप उसकी क्वालिटी चेक करिए, उसकी स्ट्रेंथ चेक करिए, अगर वो वीक होगी तो नहीं चल पाएगी ठीक है, उसको आप रिप्लेस करवाइए ताकि नेक्स्ट टाइम कोई इश्यू ना हो, या फिर जैसे आपकी मोटर जल गई, आपको सिंपल एग्जाम्पल लें, आपकी मोटर जल गई, मोटर जलने का रीजन पीछे से शॉर्ट सर्किट हुआ, टू फेज आए, टू फेज क्यों आए, पीछे से एक वायर कट गई हमारी, वायर क्यों कटी, ओवरलोड हो गया, अनबैलेंस लोड था, या फिर उसमें इंसुलेशन वीक हो रखी थी, तो ये आपके जो स्टेप वाइज स्टेप निकालते हैं वो आता है आपका वाई वाई एनालिसिस में, वो रूट कॉज निकलता है, उसके बाद उसके अगेंस्ट आपने करेक्टिव एक्शन क्या लिया। करेक्टिव एक्शन में आएगा कि हाँ मैंने ये चीज ठीक कर दी, अब आपके पास रूट कॉज आया कि मेरी केबल वीक थी या इंसुलेशन वीक थी, आपने केबल चेंज कर दी, तो वो आ गया करेक्टिव एक्शन। वो काउंटर मेजर उसका बनेगा कि उसके अगेंस्ट में आपने काउंटर, ये ऐसा कोई टारगेट बना दिया हो या कोई ऐसा एक्शन ले लिया हो कि जिससे आगे नेक्स्ट टाइम ये चीज होना, तो काउंटर मेजर में आ जाएगा। प्रिवेंटिव एक्शन आ जाएगा कि वो उसको आपने कितने टाइम में कब चेक करना है, वो प्रिवेंटिव से टाइम में चेक करना है कब करना है, उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसने किसने काम किया था वो कब खत्म किया था वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाएगा, उसके सिग्नेचर और उसका स्टेटस ओके है या नहीं है। उसके बाद आता है हमारा लिस्ट ऑफ क्रिटिकल स्पेयर्स।
ये बहुत ही हमारा मोस्ट अर्जेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं हम इसको, जो हमारे ब्रेक टर्न्स को कम करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लाइक मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास 10 मशीनें हैं, 10 मशीनों के जो क्रिटिकल स्पेयर्स हैं, जैसे इसमें कुछ महंगे भी हो सकते हैं, कुछ जो डेली यूज के भी हो सकते हैं, कुछ रेगुलर आइटम जो हमारे पास अवेलेबल रहने चाहिए। मान लो अगर मेरे को ये पता है कि मान लो आपकी किसी मशीन में बेल्ट ड्राइव लगी और बेल्ट टूटती है आपकी, तो आपके पास जो स्पेयर में बेल्ट है उसी नंबर की, सेम साइज की, वो आपके पास स्टोर में होनी चाहिए, ताकि आप उसको क्विकली जाओ, अपने पास अवेलेबल है तो उठाई आपने और चेंज कर दी, तो आपका जो ब्रेकडाउन टाइम आएगा बहुत कम आएगा। नहीं तो आप उसको रिक्वायरमेंट देंगे परचेज में, परचेज डिपार्टमेंट उसको परचेज करेगा, उसके लिए 2 घंटे भी लग सकते हैं, 4 घंटे भी लग सकते हैं, दिन भी लग सकते हैं। मान लो कोई चीज इजी टू अवेल नहीं है, अगर आपके पास वो मॉडल नहीं है अवेलेबल, वो मार्केट से बाहर से मंगाएगा, तो उसमें टाइम भी लॉस हो सकता है। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है जो हमारी मशीन की कैपेसिटी और मशीन का नेम, जो पहला पॉइंट क्रिटिकल स्पेयर में आता है, उस मशीन का नेम लिखूंगा मैं, उस मशीन की आईडी लिखूंगा, उसके बाद उसमें ये शो करूंगा कि नेक्स्ट उसमें क्रिटिकल स्पेयर पार्ट उसका मॉडल नंबर क्या है, वो हमें रिक्वायर्ड कितने हैं। फिर उसके बाद जो क्रिटिकल स्पेयर होगा उसकी मेक यानी मैन्युफैक्चरिंग, वो किस मेक का है और उसका मॉडल नंबर क्या है, और उसकी जो हमारी मिनिमम क्वांटिटी कि हमारे पास 5 या 6 पीस इसके, या 1 या 2 पीस होने चाहिए। जैसे कोई सस्ते आइटम है तो वो हम 5 पीस भी रख सकते हैं, 10 पीस भी रख सकते हैं। जैसे मैंने बेल्ट का एक तो एग्जाम्पल दिया था कि अगर वो बेल्ट 100-200 रुपए की है तो आप 10 पीस रख सकते हो। अगर मान लो किसी मोल्डिंग का या किसी भी दूसरी मशीन का पीएलसी या एचएमआई से रिलेटेड पार्ट है, जो काफी हैवी आइटम, कॉस्टली आइटम हो जाता है ये, कि 1-1.5 लाख का, 2 लाख का आज तक आ सकता है, कि ये इतना आता है, तो इतने तो कई बार हम स्पेयर में नहीं रख सकते। जो कि पंप से रिलेटेड है कि 40,000 के, 50-50,000 के, 1-1.5 लाख के पंप आते हैं, तो वो पंप मिनिमम हमें एक रखना है, तो ज्यादा क्वांटिटी उसमें भी नहीं रख सकते। तो आती है हमारी मिनिमम क्वांटिटी में, और उसका स्टॉक कितना है हमारे पास, उसको रेगुलरली हम डेली बेस पे उसको चेक करते हैं, सॉरी वो उसकी हमारे मंथली में एक बार चेक करते हैं, और उसकी इन्वेंटरी डेली बेस पे हमारी अपडेट होती है। जैसे मैंने कुछ स्पेयर था, जैसे मैंने इसमें बताया था आपके, आपको बेल्ट है, नंबर ऑफ बेल्ट है 10 है आपके पास, 1 तारीख को आपने 2 यूज कर ली, इसमें 2 चढ़ा दिया आपने, तो 2 उसके बाद आपकी बची कितनी, 6, 2 चढ़ाने के बाद आपके 10 है अवेलेबल है, तो 8 बच गई। ये इन्वेंटरी आपको मंथली वाइज रिवाइज करनी है, चेक करनी है, अपडेट करनी है। अगर आपके वो शॉर्ट पड़ रहा है कोई आइटम, तो उसको आप परचेज करेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट देंगे, उसको अपने आप अवेलेबल करके रखेंगे। तो ये आता है आपका लिस्ट ऑफ क्रिटिकल स्पेयर में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कोशिश हमें ये करनी चाहिए जितना हो सके हमें लिस्ट ऑफ क्रिटिकल स्पेयर हमारे पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उस चीज की, ताकि हमारे जो भी है ब्रेकडाउन टाइम है बहुत ही रिड्यूस हो कर सके इसके। उसके बाद आता हमारा कंटिजेंसी प्लान। कंटिजेंसी प्लान होता है कि हमारा इमरजेंसी आपके पास सेकेंड ऑप्शन क्या है। अगर सिंपल भाषा में आपको बताऊं, जैसे आपके पास, अगर मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको नॉर्मल सा कंटिजेंसी प्लान, जैसे आपके पास कंपनी में लाइट है, अपॉइंट जो मशीनें हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के थ्रू हमारे पास लाइट अवेलेबल होती है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होती है, तो अगर वो अवेलेबल है हमारे पास, जब वो पावर कट होती है, तो कोई उसका कंटिजेंसी प्लान आता है हमारे पास जेनसेट, कि उतनी कैपेसिटी का हमारे पास जेनसेट अवेलेबल होना चाहिए, तो जेनसेट वो आ गया हमारा कंटिजेंसी। इसका मतलब हमारे पास सेकेंड सोर्स किसी भी चीज का, इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास अवेलेबल है नहीं, कोई इशू नहीं है, पावर कट गई कोई इशू नहीं, हमारे पास जेनसेट अवेलेबल है, तो हम जेनसेट चला सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ मशीन है आपके पास 10 नंबर ऑफ मशीन है, और आपकी रिक्वायरमेंट है 9 मशीनों की, तो कोशिश यही रहे कि हमारे पास जो एक मशीन स्पेयर में रहे, अगर कोई इशू हो जाता है तो सेकेंड मशीन हम यूज कर लें। हालांकि मशीन कॉस्टली हो जाती है, तो उसके अगेंस्ट में हम जाते हैं लिस्ट ऑफ क्रिटिकल स्पेयर। मान लो आपका कंटिजेंसी प्लान में एक हमारा ऑप्शन आता है लिस्ट ऑफ क्रिटिकल स्पेयर, जो मैंने लास्ट स्लाइड में आपको समझाया भी था। तो इस स्लाइड में जो कंटिजेंसी के अगेंस्ट आता है, मान लो आपके पास कोई ब्रेकडाउन आ गई, तो उस ब्रेकडाउन के अगेंस्ट जाएगा कंटिजेंसी। जैसे हमारा कोई पंप का इश्यू है,
तो हमारे पास 40 मशीनें हैं और 40 मशीनों में सेम साइज का पंप लगा है, सेम साइज का पंप लगा है, तो उसके लिए आपके पास कंटिजेंसी प्लान क्या है? तो एक या दो उसके लिए स्पेयर में होने चाहिए, ताकि एक पंप आपका खराब हो गया, आपके पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है, आपने वो चेंज कर दिया और उसको रिपेयरिंग के लिए भेज दिया। तो इसमें आता है कंटिजेंसी कंडीशन, जो सेकेंड आता है इन द कंटिजेंसी कंडीशन इंटरनल और एक्सटर्नल। जैसे हमने एएमसी प्रोवाइड कर देते हैं किसी को, इंटरनल तो जैसे हम खुद रिपेयर कर लेते हैं कोई भी चीज के, हमारे पास सोर्स अवेलेबल होते हैं, हमारे पास स्किल्ड मैन पावर होती है, वो सारी चीजें। एक्सटर्नल हमने एएमसी दे दी, कि मान लो जैसे हम एएमसी दे देते हैं, एयर कंप्रेसर हो गया, बॉयलर हो गया, जेनसेट हो गया, मशीन से रिलेटेड एएमसी हम बाहर देते हैं। एएमसी के अंदर होता है कि एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट किसी को दे देते हैं, कि हाँ ये आपकी आपको हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया साल का, कि इसमें अगर कोई भी आपका फॉल्ट आता है, कोई भी इश्यू आता है, तो आप उसको सोल्व करेंगे। ये दो टाइप का हो सकता है एएमसी, इंक्लूडिंग स्पेयर और एक्सक्लूडिंग स्पेयर। इंक्लूडिंग स्पेयर में अगर कुछ भी चीज खराब होती है तो एएमसी के अकॉर्डिंग वो खुद चेंज करता है, एक्सक्लूडिंग में हमें प्रोवाइड करवाना पड़ता है। उसके बाद एग्जिस्टिंग कंट्रोल, के आपके पास उसका कंट्रोल क्या है? जैसे मैंने आपको एग्जिस्टिंग कंट्रोल के लिए बताया था कि आपके पास लिस्ट ऑफ क्रिटिकल स्पेयर होनी चाहिए, वो रिलेटेड वर्क इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इफ एनी। इसके अंदर आता है कि आपने जो आपकी ये फॉर्मेट है हमारे, इसके लिए किस किस को क्या इंस्ट्रक्शन जानी चाहिए, रिकवरी टाइम लिमिट कितने टाइम में हो जाना चाहिए, कम्युनिकेशन टू आपने किसको कम्युनिकेट किया, प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन हो गया आपका, एचओडी हो गया, प्लांट हेड हो गया। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको कंप्लीट करता है। आउटसोर्सिंग का, इसमें आउटसोर्सिंग जो है एएमसी वाला आ गया। इसके बाद इसकी जो टेस्टिंग रिक्वायर्ड होती है या नहीं होती है, अगर होती है तो क्या होता है, अगर नहीं होती तो क्या नहीं होता, तो ये चीजें सारी आती है हमारा कंटिजेंसी प्लान में। सेकेंड आता, इसके बाद आता हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मैट्रिक्स। इंफ्रास्ट्रक्चर मैट्रिक्स में आता है जो हमारे पास टूल अवेलेबल है, टूल्स अवेलेबल होते हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन और मॉनिटरिंग सब चीजें इसमें ऐड होती है। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी कैपेसिटी क्या है हमारे पास, उसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है, या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो सारी आती है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर मैट्रिक्स में। इसके अंदर लिखा है डिटेल्स रिलेटेड टू हार्डवेयर, कि मतलब हमारे पास जो हार्डवेयर अवेलेबल है, मशीन्स है, इक्विपमेंट है, ड्राइव है, मोटर्स है, ट्रांसफार्मर और यूटिलिटी रिलेटेड कोई भी मटेरियल है, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स क्रेन, हमारे पास मान लो कोई क्रेन है या फोर्कलिफ्टर है या आपके पास हैंड लिफ्टर है, उसकी इंस्पेक्शन है, टेस्टिंग एड्स, उसकी जो सारी डिटेल्स हमें इसके अंदर प्रोवाइड करवानी है। और आपके पास जो सॉफ्टवेयर है, मान लो कोई अवेलेबल आपको कोई मशीन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हो, अवेलेबल है या नहीं है, या क्या होना चाहिए, ये सारी आती है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर मैट्रिक्स में। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे टूल बॉक्स है, ये एक नॉर्मल सी रिक्वायरमेंट है मेरी, अगर मैं मेंटेनेंस से रिलेटेड करता हूँ, रिलेटेड हूँ, तो इसके अंदर आता है कि टूल्स, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। विदाउट टूल्स हम मशीन में कुछ नहीं कर सकते, किसी भी चीज को आप रिपेयर नहीं कर सकते। अगर आपके पास छोटे से छोटा टूल, जैसे लाइक एग्जांपल दूं, अगर टेस्टर भी आपके पास नहीं है ना, तो आपके इलेक्ट्रिसिटी चेक इन करके कैसे बता सकते हो किसी भी केबल में कि हाँ इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही है नहीं आ रही है। तो टूल्स की रिक्वायरमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस, कि इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, आपके पास कितने अवेलेबल होने चाहिए और उसकी अवेलेबिलिटी प्रेजेंट टाइम में कितनी है। सेकंड आपके पास आया हुआ क्लैम्पमीटर, एयर ब्लोअर, साइड कट, हेक्सा कटर, जिग्सा मशीन होगी, हैंड ग्राइंडर हो गया, ड्रिल मशीन, वेल्डिंग मशीन, क्रेन होगी, ट्रांसपोर्टर हो गए, ट्रांसफार्मर हो गया, ड्रिल मशीन होगी, मोटर्स होगी, ये आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर मैट्रिक्स में आता है। नंबर ऑफ क्वांटिटी इसमें ऐड कर सकते हैं हम, तो ये इसमें एक्चुअली हमारे पास ये एक पार्ट है कि इंफॉर्मेशन देना, कि मेरे डिपार्टमेंट में एक्चुअल मेरे को पता होना चाहिए कि हमारे पास ये चीज अवेलेबिलिटी है, अगर ये नहीं है तो वो चीज मेरे को अवेलेबल करवानी है किसी भी हालत में। तो जस्ट ये इंफॉर्मेशन के लिए एक मैट्रिक्स बनाई गई है जो हमें यूज करनी है। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक था,
तो इसमें मैंने कोशिश की है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं रिलेटेड पॉइंट्स आपके वो इसमें कवर अप हो, और जितनी सिंपल लैंग्वेज में मैंने सोचा है कि आपको ये क्लियर आउट करूं, सारे आपके टॉपिक्स हैं इसको टॉपिक्स को क्लियर करूं। अगर कुछ इसमें आपको लगता है कि आप इसमें ऐड करना है इसके रिलेटेड, या कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को सजेशन दें, ताकि मैं और इम्प्रूवमेंट करूं और अच्छी वीडियो बनाऊं और अच्छे टॉपिक्स लेके आऊं आपके लिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर। थैंक यू।